नमस्कार। एमपी अजब है, सबसे गजब है। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सहित सभी कांग्रेसी नेताओं ने मध्य प्रदेश की जनता को बड़े ही लुभावने लुभावने लालच दिए। को किसानों को बोला गया कि उनकी सरकार बनने के बाद सभी किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर दिया जाएगा। बेरोजगार युवकों को बोला गया कि उनकी सरकार बनने के बाद 3,000 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए के बीच बेरोजगारी भत्ता प्रत्येक बेरोजगार को दिया जाएगा। ऐसे में राहुल गांधी ने अपनी सभी जनसभाओं में चीख चीख कर कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद आपको 10 दिन के भीतर भीतर आपका किसान कर्ज माफ कर दिया जाएगा, आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस तरह से मध्य प्रदेश की जनता इन कांग्रेसी नेताओं के बहकावे में आ गई और कमलनाथ को 114 सीटें मध्य प्रदेश में दे डाली। ऐसे में कमलनाथ सरकार तो का बीज हो गई मध्य प्रदेश में, लेकिन अब कमलनाथ सरकार ने ना ही तो किसी किसान का कर्ज माफ किया है और ना ही किसी बेरोजगार को बेरोजगारी बता दिया है। एक तरह से माना जाए तो अब कमलनाथ सरकार ने इस तरह के प्रमाण सुनाने शुरू कर दिए हैं जिसके बाद मध्य प्रदेश की जनता में हड़कंप मच गया है। जी हाँ दोस्तों, मैंने 2-4 दिन पहले आपको एक न्यूज दी थी, उसमें मैंने बताया था कि जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उनको कमलनाथ सरकार ने प्रमाण सुनाया है कि यदि वो एक पर्सन एक बंदे की किसी की भी हर महीने अगर नसबंदी करवाते हैं तो ही उनको सैलरी मिलेगी, वरना उनको पगार नहीं मिलेगी, फ्री में उनको काम करना पड़ेगा। इस बात का खूब सारा विरोध हुआ, इसके लिए सिंधिया जी भी सड़कों पर उतरे। ऐसे में कमलनाथ को अपना ये फरमान वापिस लेना पड़ा। यानी कि एक तरह से एक पर्सन निश्चित रूप से हर महीने नसबंदी करवाना जरूरी था इस फरमान के अंदर, इसलिए मध्य प्रदेश की जनता में काफी ज्यादा जो रोष व्याप्त था। और अब कमलनाथ सरकार ने वो फरमान तो वापिस ले लिया है, लेकिन एक इससे भी बड़ा फरमान अब कमलनाथ सरकार ने दोबारा सुना दिया है। जिस तरह से 1975 के अंदर संजय गांधी ने हिंदुस्तान में इमरजेंसी लगाई थी और लाखों लोगों की धक्के से जानबूझ करके नसबंदी कर दी थी, उसी तरीके पर संजय जो गांधी के करीबी रहे कमलनाथ ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश में इमरजेंसी 2 लगाने का फरमान है वो सुना दिया है। कमलनाथ के इस नए फरमान के अनुसार जो शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोग हैं उनको अपनी खुद की नसबंदी करवानी होगी। यदि वो नसबंदी करवाते हैं तो ही वो बोनस ले पाएंगे, वरना नहीं ले पाएंगे। यानी कि पहले सिर्फ स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोगों को फरमान सुनाया गया था, लेकिन अब कमलनाथ सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ शिक्षा विभाग को भी टारगेट किया है। शिक्षा विभाग के जो टीचर्स हैं या जो भी अधिकारी हैं उन सबको अब खुद की नसबंदी करवानी होगी, तभी वो बोनस के अधिकार है वो रहेंगे, यानी उनको बोनस तभी मिलेगा। कुल मिलाकर के अब कमलनाथ सरकार ने सरकार की इनकम का एक नया जरिया है वो ढूंढ लिया है कि नसबंदी करवाना इन अधिकारियों की जरूरी हो गया है। आखिर शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग को क्यों चुना गया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इनको चुनना था तो इनके खुद के जो मंत्री थे, जो विधायक थे, उनको चुनना था और इसकी शुरुआत इस सबसे पहले कमलनाथ को खुद करनी चाहिए थी। इनके जो इर्द गिर्द घूमने वाले इनके चापलूस नेता, इनके जो IAS RAS अधिकारी हैं IAS लेवल के, वो निश्चित तौर पर उनकी नसबंदी सबसे पहले करवानी चाहिए अगर इस तरह का फरमान कमलनाथ सरकार सुना रही है तो। वहीं कमलनाथ सरकार के इस फैसले का सिंधिया ने खूब विरोध किया है और इसके साथ साथ ही कमलनाथ ने एक और फैसला सुना दिया है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए अलग से विदेशी शराब के लिए ठेके खोले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड जो विदेशी ब्रांड है वो होंगे, इस तरह की शराब वहां मिलेगी ताकि मध्य प्रदेश की महिलाएं अच्छे से शराब खरीद सके बिना किसी डर के। यानी कि कुल मिलाकर के फिल्मी दुनिया में अब कमलनाथ है वो जी रहे हैं और फिल्मी स्टाइल के अंदर एक तरह से प्रमाण सुनाए जा रहे हैं
यानी कि जो विदेशी ब्रांड है उनको अब इन ठेकों में रखा जाएगा और वो ठेके सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए स्पेशली खोले जाएंगे। इसके अलावा जो विदेशी पर्यटक हैं उनके लिए 15 अलग से दुकानें खोली जाएगी, जिसके अंदर भी निश्चित तौर पर विदेशी शराब ही मिलेगी। इस तरह के प्रमाण लेकर के कमला सरकार अब जोर शोर से इन प्रमाणों को ध्यान में देने के लिए या फिर इन्हें लागू करने के लिए जुट गई है, लेकिन सिंधिया कमला सरकार के इस प्रमाण के खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं और वो अब निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग और जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर के कमला सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश की जनता में इस नसबंदी की खबर को सुनते ही हड़कंप मच गया है। कमलनाथ के इस फरमान से हर कोई डरा हुआ है। शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के लोग अपनी जॉब छोड़ने के लिए भी तैयार बैठे हैं, लेकिन जिस तरह से सिंधिया ने उनको आश्वासन दिया है कि ये प्रमाण भी वापस लेना पड़ेगा कमला सरकार को, वो काबिले तारीफ है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।